गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना क्षेत्र के शक्तिखंड इलाके में एक मॉल की 13 दुकानों के बाहर लगे काउंटरों से लाखों रुपए का सामान और कैश चोरी होने की घटना को अंजाम दिया गया और शातिर चोर फरार हो गए। चोरी की वारदातें मॉल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन शातिर चोरों की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद के कबीरनगर के रामलीला मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने हिंदू आध्यात्मिक सेवा समिति एवं नगर निगम द्वारा आयोजित किए गए वंदे मातरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नगर निगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ अभियान के तहत एक स्वच्छ ऐप जारी किया है, जिसको लगभग 50,000 बच्चे डाउनलोड कर लोगों में संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। गाजियाबाद के मसूरी में गरीब परिवार के 3 मासूम बेटियों को स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनका पिता रिक्शा चलाता है और स्कूल में बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसकी शिकायत स्कूल में करने से 3 बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया। मामले में पीड़ित पिता ने जिला अधिकारी एवं BSA के यहाँ लिखित में शिकायत की है। मैडम अबेर सबेर यहाँ में, यहाँ हमारी पत्नी थी, मैं तो रिक्शे चलाता हूँ जी। वो लेकर पहुँची स्कूल में बच्चों को, तो मैडम उनको उल्टा ही चढ़ गई। अच्छा, वो जाओ जाओ तुम्हारा तो रोज का ऐसे हिलना है। अच्छा, मुझे पता लगी तो मैं पहुँचा वहाँ, मैंने 2-1 एप्लीकेशन लगाई। गाजियाबाद के DPSC स्कूल में बच्ची को दिव्यांग होने की वजह से एडमिशन नहीं मिला। मामले में बच्ची की मां ने जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से भी शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल टेस्ट से मस्त नहीं हुआ और न ही बच्ची को एडमिशन दिया गया। प्रवीण अरोड़ा, ऑब्जर्वर डॉन, गाजियाबाद।